पर नाल दी नाल जे गल कर लिया आप थोड़ी जी कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी इन्हीं दिनी ट्विटर ते खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं, भावें कि बाहर गर्मी के सीजन के इस समय घट निकल रहे हैं पर घर बैठे जो ट्वीट जरूर कर रहे हैं और ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां नूं याद दवा रहे हैं कि पिछले दिन ही भाई मैं तुहानू एक चिट्ठी लिखी सी और उस चिट्ठी दे विच एक तफसील लिखी सी कि किवें पंजाब दा किसान कर्जे की मार हेठ आया खुदकुशियां कर रहा है ते केंद्र सरकार नूं पंजाब सरकार की बांह फड़नी चाहिए है, कोई वित्तीय पैकेज देना चाहिए जिहदे नाल असीं पंजाब दे किसानां ते ओह कर्जे दे बोझ नूं कुछ हल्का कर सकीए। सो ट्वीट किया गया और ट्वीट बकायदा जिहड़ा अटैच भी किया गया नरेंद्र मोदी होरां नूं उन्हां दा नाम विच दे के, और मेरे ख्याल नाल देसराज काली जी जे ट्वीट करन दे नाल सारे मसले हल हो जांदे आ इस मुल्क दे विच, ते मेरा ख्याल है कि ट्वीट एक बहुत वधिया जरिया हो सकदा, लोग भी फिर ट्वीट करके अपने मसले हल करवा सकदे आ। तस्वीर इस खबर दा ना जिहड़ा सब तो खतरनाक पक्ष हैगा ना वो हो रहा है जी। मैं कहना उन्होंने ट्वीट किया ठीक है, क्योंकि वह पहला चिट्ठी लिख चुके ने जी, हुण ट्वीट किया ओके ठीक है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया होएगा, पर हुण डाउट इत्थे पैदा हो गया कि भाई तुसी छौड़ा तो चक लिया कि असी कर्जे माफ़ करांगे, सरकार किसानों के कर्जे वापस मोड़ेगी, छौड़ा चक लिया और बड़ी बड़ी बड़िया रकम दित्तियां भी बिल्कुल, पर हुण उन्हां रकमां दा बनदा की आ कि अज तक दियां दित्तियां रकमां कुल कर्जे दा किसानी दे कर्जे दा 0.5% बनदा जी, किहड़े वेले 100% होगा इह, भाव मेरे गल कहण दा इह आ कि इन्हां नूं पता आ कि साडे कोलों इह दित्तिया नहीं जाणा जी, असीं इक गल पा लिया फा गल पा लिया है, एवं तुरी जाते जाता जोड़ा है ना बलेव अपने लत्त नूं पवा लिया असी कह के ते शुरू करके हुण फड़ वड्डी मार ली, फड़ वड्डी मार ली आ, हुण उत्थे फस गए ने 0.5% जी, 0.5% 100% कदों होएगा बिल्कुल, पैसा कोल नहीं है इन्हां दे, सारियां स्कीमां बंद ने, हर एक तो खोण की कोशिश कर रहा है कि घट्टो घट मिनीमाइज हो जाए, मैं कहना जिथे बहुत फालतू खर्चे पाए जा रहे हैं फजूल किस्म के खर्चे ने, नो डाउट उन्होंने घटा देना चाहिए जी, बंद कर दे खो लैन रोक लैन कर दे, मैनू नहीं कोई एतराज़ है, वह जरूरी है सरकार चलाउणियां ने, पर जिहड़ा वादा कर लिया आ जिहड़ा स्टैप चक लिया वह पूरा नहीं होना, वह हुण कित्थों देख रहे ने, हुण जां तां मसले नूं केंद्र दे गल पाउणा चाहुंदे ने कि देखो जी केंद्र नहीं सुनदा केंद्र नहीं सुनदा केंद्र, कारण ये है परसों की जिहड़ी घटना है, पंज किसानां ने बठिंडे दे विच एक दिन दे विच सुसाइड कर लिया और किसी के सिर 2 लाख किसी के सिर 6 लाख किसी के सिर 2.5 लाख किसी के सिर इस तरीके का, और किसी को 8 कनाल किसी को 2 एकड़ किसी को ये सारे का सारा सीन है, पंज किसान एकदम हुंदे ने सवालिया निशान आ जाता कि तुसी केड़ी कर्जा माफ़ी की गल कर रहे हो, ये खुदकुशियां तो तेज़ हो रही ने घटन की बजाय, कर्जा माफ़ी मैं तुहानू कहा 0.5% होई जी, तो बाकी का 99% तो वध उह ही चलन डिया है ना, सो वो फस गए ने वो डाइवर्ट करके केंद्र वल नूं मोड़ मोड़ा, हालांकि केंद्र ने भी जो वादा किया सी किसानी वाला उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाया, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की गल की थी, बिल्कुल नहीं निभाया बिल्कुल नहीं निभाया, और उन्होंने भी मैं कहना वह भी दोषी ने इस सारे मामले दे विच, केंद्र नूं भी बांह फड़नी पैंदी है कई बार, खासकर किसानी दी तां बांह केंद्र नूं जरूर फड़नी चाहीदी है जी, पर वो नहीं निभाउंदे अपना वादा, पंजाब सरकार इस मामले च फसी हुई है। जसवीर जसवीर ये ना सारा मुद्दा हैगा सेंट्रल स्टेट फाइनैंशियल रिलेशनशिप का जी, जिहड़ी स्टेट आ उहदे कोल आमदन के जिहड़े साधन है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड ने, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, और जो जी एस टी लगाई जी एस टी ने तो वह रुपये की चवानी बना दी है जी, पर जी सेंटर गोरमेंट आद को इन्ने क ज़्यादा साधन ने, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, और होर को साधन इन्ने क ने भी वह कुछ भी कर सकती है, वह बहुत ज़्यादा हूँ इतने आ भी जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की ने, और इस करके स्टेटा बार बार अटोनमी मंगदियां ने, अटोनमी मंगदियां सानू अटोनमी दो अटोनमी दो, क्योंकि आमदन के स्रोत उन्होंने को नहीं है, हुण वैसे तो सेंटर गोरमेंट का यह अखलाकी फर्ज आ स्टेट नू कर्जे चो बाहर कढ़ना, हुण जिहड़ा अनाज आ
वो कल्ला पंजाब दे लोकां ने खाना है जां वो अनाज कल्ले यूपी वाले ने खाना जे यूपी वाला किसान जां महाराष्ट्र का किसान मर रहा है तमिलनाडु का किसान मर रहा है वो अनाज पैदा किया जा रहा है वो सानू सेल्फ सफिशिएंटली जिहड़ा किसानी का मुद्दा ना जसवीर ये चाहे किसी भी स्टेट का आ ये स्टेटा ने तो सेंटर ने रल के कढ़ना है ये जी होछी जी पोलिटिक्स है ना जे अन नहीं तो कुछ भी नहीं होछी पोलिटिक्स नूं पिछे रखना चाहिए आ और जदों कैप्टन होनी ट्वीट करते हैं अल्टी असल दे विच वो क्यों कर रहे ने वो भी एक तरह की पोलिटिक्स आ लोगों नूं दसन लई भी देखो असी स्टेट सेंटर नूं गल कर रहे हैं सेंटर साड़ी बाह नहीं फड़ रही तो साड़ी तो आर्थिक तौर पर ही पहले ही पिछे हाँ देखो कल खबर आती है 5 to 15% खर्चे घटाने ने अज वो ट्वीट करते हैं एक सीक्वेंस बनती पई है और जिन्ना चिर जसवीर सेंटर स्टेट फाइनैंशियल रिलेशनशिप नहीं ठीक होंगे जो आप पिछले समय से पंजाब जो बलदी के बुथे से आंदा आ जिन्होंने असी सो कॉल्ड टैररिज्म का खाड़कूवाद भी कहने भी एक कारण जरा सीना वह सेंटर स्टेट फाइनैंशियल रिलेशनशिप जो पोलीटल रिलेशनशिप से वो भी एक मुद्दा से वह अजे भी ये उत्थे ही चल रहा है जी सेंटर आ कर रही है डिकटेटरशिप कर रही है जी डिकटेटरशिप करती पी है और इधर दूजे पासे पंजाब दे विच इन बिन मैनूं लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी प्रकाश सिंह बादल होरां वाली सियासत करन लग पिया क्योंकि प्रकाश सिंह बादल हुणी जदों मुख्यमंत्री होया करदे सीगे केंद्र दे विच यूपीए की सरकार होया करदी सी ते बादल साहब दा इक्को इक बयान हर प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान हर पत्रकार के सवाल के जवाब दे विच हुंदा सीगा केंद्र दे विच कांग्रेस है जी साडे नाल तां मतरेई मां वाला सलूक करदे आ ते इन बिन उस राह ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी तुरदे जिहड़े आ उह नजर आ रहे क्योंकि केंद्र दे विच एनडीए दी सरकार है पर ये जिम्मेवारियां एक दूजे दे उत्ते सुट के मेरे ख्याल गल नहीं बननी लोकां दे मसलियां नूं हल करन दे लई चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं अपनी पूरी वाह लाउणी पवे या फिर केंद्र नाल तुर के जिहड़ा आ उह किसे तरीके नाल इस मसले दा हल लभ्या जावे कुल मिला के उदों ही थाह पैणी आ इस समस्या नूं किसे पासे कुल मिला के उदों ही किसे तरीके नाल किसानां नूं राहत मिल पाएगी जे दोनों धिरां एकजुट हो के इस पासे कोई सांझी नीति बणाउंदियां अदरवाइज इल्जाम तराशियां इक दूजे ते कर देण दे नाल जिम्मेदारियां इधर उधर सुट देण दे नाल मैनूं लगदा श्वेत श्वेत मलिक दा बयान आया जिहड़ियां पंजाब च किसानी दियां हो रही है दुर्गति ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ